अब हमें देखना है ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड है। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। उसका क्या रीज़न है कि ये मैंने ड्रॉ किए हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसमें एक ही शेल मौजूद है, ठीक है। लिथियम में टू शेल्स हैं, सोडियम में थ्री शेल्स हैं, पोटेशियम में फोर शेल्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन में देख रहे हैं कोई इनर शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिथियम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन टू हैं, सोडियम में आप इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो फर्स्ट शेल में टू हैं, सेकंड शेल में एट हैं, तो टोटल इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। और यहाँ पोटेशियम में तीन इनर शेल्स हैं और तीन इनर शेल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट कॉज करें और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट कॉज करें। इसका मतलब है क्योंकि नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोजन टू पोटेशियम आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का शील्डिंग इफेक्ट नाउ बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके बाद लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट हाइड्रोजन से ज़्यादा है क्योंकि इसमें टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के 10 इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लिथियम से और ज़्यादा हो गया, और पोटेशियम के 18 इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सोडियम से और भी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम देन फ्रॉम सोडियम, कि पोटेशियम का आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना ज़्यादा आसान क्यों है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो इसका आंसर यही है कि पोटेशियम का शील्डिंग इफेक्ट सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा है। पोटेशियम में 18 इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम में 10 इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम में ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है।